मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो विल स्टार्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में हम तापमान बोलते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। आई होप आप सभी के घर में थर्मोमीटर होगा। इट इज़ अ थिन ट्यूब विथ अ कलर्ड लिक्विड कॉल्ड मरकरी इन इट। एक थिन ट्यूब होता है, ट्यूब की तरह होता है, उसमें कलर्ड लिक्विड होता है। कलर लिक्विड जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ठीक है। टेम्परेचर इन मेट्रिक सिस्टम इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस। तीन तरह के डिग्रीज होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। हम लोग आज सिर्फ डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर देखिए आगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। वी कॉल द पॉइंट एट विच वाटर फ्रीजेस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज कितने पे करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल कितने डिग्री पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है। टू स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, एंड सेल्सियस डिग्री, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। एक थर्ड होता है केल्विन, वो आप लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। इन इंडिया वी यूज सेंटीग्रेड और द सेल्सियस स्केल। इंडिया में क्या यूज होता है, सेल्सियस को ही सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। सेल्सियस थर्मोमीटर वॉज डिजाइंड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस एंडर्स। कौन डिजाइन किए थे, सेल्सियस एंडर्स। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है। और फ़ारेनहाइट में, वाटर फ्रीजेस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और फ़ारेनहाइट में वाटर फ्रीज करता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स करता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। कन्वर्जन पढ़ेंगे हम यूनिट्स का। तो आज पहले हम देखेंगे टू चेंज फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है कि सब्ट्रैक्ट 32, जो भी नंबर रहेगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, उसमें क्या करेंगे, पहले -32 करेंगे और जो एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 5/9। और जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर होगा, रिजल्ट होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/9 से। दिस इज़ द प्रोसेस, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 32, जो भी नंबर दिया रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, उसको क्या पहले करेंगे, 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और देन मल्टीप्लाई बाई 5/9। सपोज इट्स गिवन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट 32, मतलब 122 में हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 122 से 32 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा, 90 आएगा। एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 5/9। ये इस नंबर को क्या करेंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, जो रिजल्ट आया उसको 5/9 से मल्टीप्लाई किए। दैट इज़ ये 9 के टेबल 1 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 10 टाइम्स, दैट इज़ 10 इंटू 5 इज 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा किस में बदल गया, डिग्री सेल्सियस में बदल गया। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 540 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो सबसे पहला क्या, हम क्या
-32 करेंगे, मतलब 540 में -32 करेंगे तो ये कितना आएगा 508। अब इस रिजल्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 508 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/9 से। तो 508 इंटू 5 कितना होगा, 508 इंटू 5 इज 5, 8 जब 40, 4 कैरी, 5 0 0 0 प्लस 4 इज 4 एंड 5 5 जा 25, डेट इज 2540/9। ठीक है, 2540 को डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं 2540 को, तो ये 2 टाइम्स में 18 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 7, ये 4, 8 टाइम्स में 72, देन 2 यहाँ 0, फिर ये 2 टाइम्स में 18, तो ये रिमाइंडर आएगा क्या 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 282 2/9 डिग्री सेल्सियस, वी कैन राइट इट 282 2/9 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस जरूर याद रखिए, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है तो -32 पहले करेंगे, फिर उस रिजल्ट को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 455 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, तो 455 को पहले क्या करेंगे, -32 करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 423। अब 423 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5/9, तो 423 को जब 5 से मल्टीप्लाई किए ये आ जाएगा कितना 2115/9, तो 9 से डिवाइड करेंगे 2115 को, 2 टाइम्स में 18 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 3, ऊपर सूत्रा 1, 3 टाइम्स में 27, अगैन 4, ऊपर से आ गया 5, दैट इज 5 टाइम्स में 45 पूरा कट गया, दैट इज कितना ही आंसर आ गया 235 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम किया किए -32 किए, फिर उस रिजल्ट को 5/9 से मल्टीप्लाई किए। अब हम देखेंगे हाउ टू चेंज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। टू चेंज फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करने में क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई बाई 9/5 करते हैं, उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे 32। ठीक है, उसमें पहले क्या करते थे -32 करते थे और मल्टीप्लाई करते थे 5/9, इसमें ऑपोजिट है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, ये भी ऑपोजिट हो जाएगा और फिर ऐड करेंगे 32 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सपोज 80 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, मल्टीप्लाई बाई 9/5, डेट इज 80 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9/5 से, तो ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, ये 1 टाइम, ये 16 टाइम, 16 इंटू 9 इज 144। अब इस 144 को क्या करना है 32 ऐड करना है, तो 144 प्लस 32 ये कितना आ जाएगा 2 + 4 = 6, 4 + 3 = 7 और ये 1, दैट इज 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 9/5 एंड देन ऐड 32 टू इट। सी द नेक्स्ट, इफ यू हैव टू कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, सबसे पहला काम क्या मल्टीप्लाई बाई 9/5, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, तो 8 times 8 9 = 72। अब 72 में क्या ऐड करेंगे, 72 में ऐड करेंगे 32, दैट इज ये हो जाएगा क्या 2 + 2 = 4 एंड 7 + 3 = 10, ये कितना आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें पहले क्या किए मल्टीप्लाइड बाई 9/5 एंड देन ऐड 32, मल्टीप्लाइड बाई 9/5 एंड देन ऐड 32। सी द नेक्स्ट, सपोज इट इज वी हैव टू चेंज 90 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, सबसे पहला काम मल्टीप्लाइड बाई 9/5, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9/5 से, ये कैंसिल होगा 18 टाइम्स, 18 इंटू 9 इज 162 और फिर 162 में क्या करना है ऐड 32, तो प्लस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में क्या करना है मल्टीप्लाइड बाई 9,
multiplied by 9 by 5 and then add 32. And Fahrenheit to Celsius, subtract 32 and then multiply the result by 5 by 9. I hope, students, that you have understood this conversion. And your homework will be that you will be solving self-practice 14E. That's all for today. Thank you.